हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाजार जैसी चाउमीन खिली खिली बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी, घर में आप भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही खास और बहुत ही कमाल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस को हमने ऑन कर लिया, कटोरी में हमने पानी चढ़ा ली। पानी को हम अच्छी तरह बॉयल आने देंगे, तभी इसमें हम चाउमीन डालेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, इसमें हम चाउमीन डाल देंगे। चाउमीन को हमें ज्यादा नहीं बॉयल करना है, हल्का ही बॉयल करना है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। चाउमीन को हमने ज्यादा बॉयल नहीं किया है, हल्का बॉयल किया है, ताकि हमारा चाउमीन जो है वो खिला खिला लगे। हमने इसे हल्का ही बॉयल किया है। इसकी पानी को हम छान लेंगे। इसमें मैं तेल डालूंगी। इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लूंगी। इसे मैं चला देती हूँ। हरी मिर्च को हमने भून लिया। इसमें हम हरी शिमला मिर्च डालेंगे, कटी हुई हरी शिमला मिर्च। इसे भी 1 से 2 मिनट हम इसी तरह भून लूंगी। 1 से 2 मिनट हमारे हो चुके। इसमें हम चुकंदर डालेंगे, कटी हुई चुकंदर। इसे भी इसी तरह 1 से 2 मिनट इसे भी भून लूंगी अच्छी तरह। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक डाल इसे मैं अच्छी तरह चला लूंगी। अब मैं इसमें चाउमीन डालूंगी। इसे मैं अच्छी तरह मिलाकर 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इसे फ्राई कर लूंगी। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। इसमें मैं 1 छोटी चम्मच चिल्ली पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छी तरह हम मिला के 4 से 5 मिनट में इसे अच्छी तरह भून लूंगी। इसमें मैं हल्का पानी डालूंगी। पानी डालकर इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। चार से पांच मिनट हमारे हो चुके। इसमें हम टमाटो सॉस डालेंगे। इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस भी डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी चाउमीन बनके तैयार है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। हमारी चाउमीन बनके तैयार है, एकदम चटपटी, एकदम टेस्टी। ये मार्केट से कहीं ज्यादा अच्छा बनके तैयार हुआ। ये चाउमीन हमारा देखिए कितना खिला खिला बनके तैयार हुआ। आप भी हमारे वीडियो के थ्रू अपने घर पे जरूर ट्राई करें। थैंक यू।